ये दोस्तों फाइनली बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है हम लोगों का सैमसंग M30H डिवाइस के लिए। तो इसमें दोस्तों फाइनली जो है डेवलपर के द्वारा जो कस्टम रोम है वो आना स्टार्ट हो गया है, जैसे करके दोस्तों पिक्सल एक्सपीरियंस रोम और GSI रोम। तो किस तरह से आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो उसको जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पर टेक्नो दुनिया सर्च कर लेना और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बाजू में जो बेल वाला घंटे इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चल जाए। और दोस्तों मैं सैमसंग M30S और भी बहुत सारे डिवाइस का टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट अनबॉक्सिंग के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, तो कुछ इस तरह से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे करके आपको सबको पता होगा हम लोगों का जो डिवाइस है सैमसंग M30S ये जो है प्रोजेक्ट ट्रैवल को सपोर्ट करता है। तो इसके मतलब से क्या होगा कि ये जो डिवाइस है फास्टर एंड्रॉयड अपडेट और जो कस्टम वॉइस डेवलपमेंट है वो बहुत ही आसान तरीके से जो कस्टम रोम GSI रोम होता है वो काम कर देता है। तो आज मैं क्या आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, यह है टेलीग्राम का सैमसंग गैलेक्सी M30H डिवाइस का ऑफिशियल ग्रुप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेवलपर है उन्होंने बोल रहा है कि जो AOSP रोम है वो GSI रोम जो है इस डिवाइस पे दोस्तों GSI रोम सपोर्ट करता है, उसी डिवाइस पे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। वैसे ही दोस्तों जो कस्टम डेवलपमेंट रोम है AOSP रोम और जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है वो फाइनली हम लोगों का डिवाइस पे जो है M30S पे बूट अप हो गया है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, इसे रोम का जो बूट हुआ है उसका भी कुछ पिक्चर यहाँ पे सामने आया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोगों को डिवाइस दिखेगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बोलिए इसका जो TWRP जो है जो जिसके मदद से कस्टम रिक्वायरी के मदद से आप जो इस तरह का रोम को इंस्टॉल कर पाएंगे, तो उसका भी ऑलरेडी दोस्तों वेरियंट आ चुका है। और दोस्तों GSI रोम को जो फ्लैशिंग करने का गाइड है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना आप इस चैनल पर जो है M30S का TWRP कस्टम रिकवरी कस्टम रोम का वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं, ताकि मैं आप लोगों का अगर ज़्यादा कमेंट रहे तो मैं जरूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरह से रूट कर पाएंगे, किस तरह से जो कस्टम रोम को इंस्टॉल कर पाएंगे और डॉल्बी का सारा मजा। और अभी तक जो है GKM आप यहाँ पे देख भी पाएंगे, GKM जो है सही तरह से सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मैनुअल कैमरा कंपेटेबल ऐप में मैं जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो है कैमरा टू API तो हम लोगों को डिवाइस पर इनेबल है, पर दोस्तों यहाँ पे रॉ सपोर्टेड नहीं है, इसलिए दोस्तों जो अभी तक स्टेबल GKM में हम लोगों का M30S डिवाइस पे आया नहीं है। और दोस्तों TWRP इंस्टॉलेशन का गाइड देख सकते हैं, बीटा A01 का जो वर्सन है आ चुका है, किस तरह से TWRP को इंस्टॉल कर पाएंगे वो सब कुछ यहाँ पे प्रोसीडर्स है। पर मैं आपको अगर वीडियो गाइड जानना चाहते हैं तो मैं आपको कॉमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको लिए बता दूंगा किस तरह से कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या क्या सपोर्टेड है जो GSI रोम चलने लगा है हम लोगों का सैमसंग M30S डिवाइस पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कैमरा फुल्ली सपोर्टेड है, साउंड सपोर्ट कर रहा है, पर 4G जो है यहाँ पे वोल्टी ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर कॉल आप सही तरह से नहीं कर पाएंगे, नेट चला सकते, फ्लैश लाइट काम कर रहा है, वाईफाई का जो दोनों बैंड है हम लोगों का डिवाइस पे सपोर्टेड है, 2.4 GHz 5 GHz दोनों ही चलता है यहाँ पे, ब्लूटूथ वीडियो प्लेबैक स्टोरेज भी फुल्ली वर्क कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि GSI इमेज जो रोम है उसमें आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सही तरह से काम नहीं करता है और वोल्टी जो है जिसके मैं सब कॉल कर सकते हैं वो भी अभी तक स्टेबल नहीं है और GKM भी स्टेबल नहीं है। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये भी अच्छी बात है दोस्तों। तो ये आपको जो है सैमसंग M30S का जो ऑफिशियल ग्रुप है आपको जरूर वहां पे ज्वाइन हो जाना चाहिए, ताकि जो है टेस्ट जो न्यूज अपडेट आपको मिल पाए, वहां का जो कम्युनिटी है थोड़ा सा स्ट्रांग हो पाए। तो कुछ इस तरह से मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो अब जो है इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं सैमसंग M30S डिवाइस का, तो कुछ थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों वीडियो के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और चैनल पर नया आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का टिप्स ट्रिक देखने के लिए। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हैव अ गुड डे, बाय।